भारत में टीबी के उन्मूलन को लेकर कई सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड को भी टीबी मुक्त करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत टीबी के मरीजों के लिए निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाएं मिल सकती हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 2024 तक उत्तराखंड को टीबी से मुक्त करना है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले जहां हम टीबी को कंट्रोल करने की बात करते थे, अब उन्मूलन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सभी अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयां सब निशुल्क दी जाती हैं, और अगर किसी वजह से मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग निशुल्क ही करते हैं। ऐसे इस केस में किसी भी मरीज को अगर 2 हफ्ते की बुखार या खांसी हो रही है तो वो ज़रूर से अपने डॉक्टर को दिखाकर टीबी की जांच करवाए। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है, और वो कहीं भी जाएगा इंडिया भर में तो उस निक्षय आईडी के थ्रू उसको सभी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। सरकार की तरफ से एक 500 रुपये का एक अनुदान, जिससे वो अपने अच्छा खाना पीने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड में निक्षय, पूरे इंडिया में और उत्तराखंड में निक्षय मित्र प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें